दोस्तों, आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजना सीखेंगे, लेकिन फंड ट्रांसफर करने से पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना सीखेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले उस बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ता है, तब जाके हम उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं और फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए तो उसके एड्रेस बार में www.bobbanking.com लिख कर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। यदि आपका खाता सेविंग अकाउंट है यानी बचत खाता है, तो आपको रिटेल यूजर पे क्लिक करना है, और यदि आपका करेंट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट यूजर पे आपको क्लिक करना है। मेरा सेविंग अकाउंट है, इसलिए मैं रिटेल यूजर पे क्लिक करता हूँ। वैसे भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको इसमें लॉगिन करने का तरीका पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आ गया है। इस पेज को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पर लिखा है यूजर आईडी। इस खाली बॉक्स में हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी डाल देंगे। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ से इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर साइन इन पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है। पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है साइन इन पासवर्ड, तो इस खाली बॉक्स में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के साइन इन पासवर्ड को डाल देंगे। और साइन इन पासवर्ड डालने के लिए मैं यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करूँगा ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करने के लिए ये जो चौकोर बॉक्स है इसमें टिक मार्क करेंगे। देखिए इस प्रकार से, जैसे ही टिक मार्क करेंगे इधर साइड में यहाँ पर कीपैड जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं साइन इन पासवर्ड को डाल लेता हूँ। यहाँ पर यूजर आईडी और साइन इन पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। यहाँ देखिए, अकाउंट होल्डर का नाम शो हो रहा है, यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है। अभी हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उससे पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। पेज को थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है फ़ंड ट्रांसफ़र, और इसके नीचे में लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी दूसरे ब्रांच में आपका कोई और अकाउंट है और वो अकाउंट आपके इस अकाउंट के साथ लिंक है। तो यदि आप उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यदि आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है लेकिन किसी और व्यक्ति का है, तो आपको थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करना है। और यदि आप जिस भी बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना चाहते हैं या पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी और बैंक का है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखा है नॉन बीओबी अकाउंट ट्रांसफ़र। जिस बैंक अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वो बैंक स्टेट बैंक का है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉन बीओबी अकाउंट ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करता हूँ। पेज को थोड़ा सा जूम करेंगे। अब देखिए, नॉन बीओबी अकाउंट ट्रांसफ़र NEFT अवलिक RTGS, इसके अंतर्गत अभी तक कोई भी बेनिफिशरी यहाँ पे ऐड नहीं है। तो नया बेनिफिशरी ऐड करने के लिए, देखिए नया बेनिफिशरी ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा है रजिस्टर न्यू बेनिफिशरी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिशरी ऐड करने का पेज ओपन हो गया है। हम पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मेरे बैंक अकाउंट के साथ जो मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशरी नेम। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पर बेनिफिशरी के रूप में ऐड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। इस खाली बॉक्स में IFSC कोड डाल देना है। बेनिफिशरी का नाम, IFSC कोड डालने के बाद गेट डिटेल इस पर क्लिक करते हैं।
पेज को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी का नाम आईएफएससी कोड डालने के बाद जैसे ही हमने गेट डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक का नाम, सिटी, ब्रांच, ये तीनों ऑटोमेटिक आ चुका है। अब नीचे में लिखा है अकाउंट नंबर, उसके नीचे में लिखा है री इंटर अकाउंट नंबर। तो इन दोनों जगहों पे मैं उस बैंक अकाउंट नंबर को डाल देता हूँ जिस बैंक अकाउंट नंबर को मैं बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना चाहता हूँ। ये पूरा डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे लिखा है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर उस बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल शो हो गया है। एक बार कन्फर्म हो लेना है कि हमने जो भी डिटेल फिल किया है ये सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ नीचे में लिखा है सेंड फॉर कन्फर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से पेज चेंज हुआ है, पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम शो हो रहा है, बैंक का नाम शो हो रहा है, यहाँ पर ब्रांच है, अकाउंट टाइप है और यहाँ पर अकाउंट नंबर है। यहाँ पर ये बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी के रूप में आ गया है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है इस रजिस्ट्रेशन को कन्फर्म करने के लिए बेनिफिशियरी नेम के ऊपर हमें एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम इस बेनिफिशियरी के नाम के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से पेज चेंज हुआ है और यहाँ पर लिखा है इंटर ट्रैकिंग आईडी। दरअसल ये एक ओटीपी की तरह होता है जो कि हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा, तो उस ट्रैकिंग आईडी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। और ट्रैकिंग आईडी के अंदर हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर दिया हो। ट्रैकिंग आईडी डालने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी एक्सेप्ट हो गया है। पेज को थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर लिखा है कन्फर्म बेनिफिशरी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया है। पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए बेनिफिशियरी का नाम शो हो रहा है, बैंक का नेम है, ब्रांच नेम है और ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में लिखा है पेई एडेड सक्सेसफुली विथ पेई लिस्ट आईडी, और यहाँ पर लिस्ट आईडी दिया हुआ है। एक चीज़ और कि इस बेनिफिशियरी को एक्टिवेट होने में कम से कम 4 घंटे का टाइम लगेगा और 4 घंटे के बाद ही हम इस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जब ये बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम जो ब्लैक शो हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लैक से रेड हो जाएगा, यानी इस तरीके के रेड कलर में बेनिफिशियरी का नाम शो होगा। तो अब चलिए बैक चलते हैं। अभी लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, तो 4 घंटे पहले ही जिस बैंक अकाउंट को मैंने बेनिफिशियरी के रूप में ऐड किया था उसी बैंक अकाउंट में मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, इसलिए यहाँ जो लिखा है फ़ंड ट्रांसफ़र हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ जो लिखा है नॉन बीओबी अकाउंट ट्रांसफ़र हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो चुका है, इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए जिस बेनिफिशियरी को हमने कुछ देर पहले ही ऐड किया था उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, ये अभी रेड कलर में हो चुका है, यानी ये बेनिफिशियरी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें इस बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस बेनिफिशियरी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है पे टू और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम शो हो रहा है और इसके जस्ट बगल में लिखा है गेट बेनिफिशियरी डिटेल। यदि हम चाहें तो इस बेनिफिशियरी के पूरे डिटेल को इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पे टू के जस्ट नीचे में दिया है पेमेंट अमाउंट, तो हमें यहाँ पर उस अमाउंट को डालना है जो अमाउंट हम इस बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो सभी शो हो जाएंगे। देखिए मेरे पास 2 बैंक अकाउंट हैं, मैं इस नीचे वाले बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर लिखा है पेमेंट रिमार्क, तो पेमेंट रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोन, यानी आप जिस उद्देश्य से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब डिटेल फिल करने के बाद
यहाँ साइड में देखिए लिखा है पे, तो हम पे पे क्लिक कर देंगे। पेज रिफ्रेश होने के बाद पेज को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशरी एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप पहली बार किसी भी बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पहली बार उस बेनिफिशरी के फुल एड्रेस को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये केवल एक बार के लिए है। जब आप एक बार बेनिफिशरी के एड्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर डालकर सेव कर देंगे, उसके बाद जब कभी आपको इस बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको दोबारा से एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं एड्रेस को यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर पूरा एड्रेस मैंने डाल लिया है, लेकिन एड्रेस डालते टाइम एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि एड्रेस में किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। पूरा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर नीचे में लिखा है इंसर्ट, तो हम इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से पेज चेंज हुआ है। पेज को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। पेमेंट कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आईडी और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालना पड़ेगा। यूजर आईडी और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कोने में लिखा है ओके, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली फंड ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा है हॉट पेमेंट सक्सेसफुल, योर पेमेंट कंफर्मेशन नंबर, और यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर दिया है, और यहाँ पे डेट और टाइमिंग दिया है, और यहाँ पे अमाउंट है, बेनिफिशरी का नाम है। अब यदि हम चाहें तो इस पेमेंट रिसिप्ट को हम अपने मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए सेव एंड प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट हमारे मोबाइल में शो हो गया है। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट दिया है, टाइम दिया है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम है, यहाँ पर डेबिट अकाउंट नंबर, क्रेडिट अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये सब दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा में बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं तथा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।